हेलो दोस्तों, तो आज की कहानी की शुरुआत होती है तेज बारिश के साथ, जहाँ जहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ स्टोरी, एक नई स्टोरी के साथ। यहाँ एक अंकल होते हैं जो अपनी दुकान चला रहे होते हैं खाने की। ये बारिश देख के बहुत तंग होते हैं कि इनके पास कोई भी ग्राहक नहीं आएगा खाने के लिए। बट वैसे ही वहाँ से भागते हुए एक लड़का आता है जो उनके ही बेटे की तरह होता है, छोटा सा, जो उसे देख के बोलते हैं कि तुम वहाँ क्यों खड़े हो, आ जाओ अंदर बैठ जाओ, भीग जाओगे। तभी वो लड़का पीछे मुड़ता है और कहता है, ठीक है अंकल, वैसे आपको इतना कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पर आप इतना कहते हैं तो मैं आ जाता हूँ, और बैठ जाता है। तभी अंकल उसके लिए पूछते हैं कि क्या तुम कुछ खाने के लिए लोगे, क्या तुम्हें भूख लगी है। तब वह लड़का शर्माते हुए कहता है कि नहीं नहीं, आप मेरे लिए इतना इतना कष्ट ना करें, मुझे अच्छी मुझे थोड़ा सा जुकाम हुआ है और कुछ नहीं। तो अंकल उसे एक नैपकिन का पैकेट पकवा देते हैं ताकि वह अपने आप को साफ कर सके, और कहते हैं तुम अपने आप को साफ कर लो, नहीं तो तुम्हें सर्दी हो जाएगी और मैं ये टेबल पीछे लेके चला जाता हूँ। तभी वो लड़का अपने आप को साफ करता है पूरी तरह से, जो भीगा हुआ था अब अपने आप को अच्छे से साफ करता है। अंकल जब अपना सामान पीछे रखते हैं तो उनकी कमर में बहुत दर्द हो रहा होता है। यही देखकर वह पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं कि तुम कुछ खाने को नहीं लोगे क्या। फिर लड़का कहता है, अरे नहीं अंकल। फिर अंकल उसके लिए अपनी ही मर्ज़ी से खाने के लिए कुछ तैयार करते हैं, चाय बनाते हैं और साथ में उसे खाने के लिए बहुत बहुत पूछते हैं। फिर भी वह लड़का कहता है, अरे नहीं, आपको कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वह उसका पेट गुड़गुड़ाते हुए कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। तो अंकल उसके लिए बहुत ही अच्छा खाना, बहुत ही टेस्टी सा समोसा तैयार कर देते हैं, जो कि समोसे के साइज़ से बहुत बड़ा होता है। लड़का उसे देख के हैरान हो जाता है कि इतना बड़ा समोसा उसने आज तक ज़िंदगी में नहीं खाया। अंकल बोलते हैं कि मुझे ये आदत हो चुकी है ये बनाते हुए, तुम खा सकते हो, कोई बात नहीं। जब लड़का यह टेस्ट करता है तो उसे ये बहुत पसंद आता है, और वह उसे इतना पसंद आता है कि वो एक सेकंड में उसे ख़त्म करने की कोशिश करता है। वो खाता ही जाता है और वह चाय पीता है और उसे उसके पेट को शांति मिल जाती है। इस तरह से ये लड़का खुश हो जाता है और वह आदमी वह देखता ही रह जाता है कि ये लड़का बहुत खुश है। अगर इसे खाना नहीं देते तो शायद ये इतना खुश ना होता। तभी अंकल भी खुश हो जाते हैं और धीरे धीरे फिर बारिश का मौसम बंद हो जाता है, बारिश रुक जाती है और खाना ख़त्म हो जाता है प्लेट का सारा खाना। वह लड़का सफा चट कर जाता है और अंकल भी गहरी सांस लेते हुए बारिश के रुकते रुकते हुए देखते बहुत खुश होते हैं। तभी लड़का आता है और उन्हें इस खाने के पैसे देने के लिए पैसे बाहर निकालता है। अंकल उसे ना करते हैं, अपना बेटा समझ के उसे ना करते हैं, पर लेकिन लड़का बोलता है, आप कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं, टॉफ़ी या फिर पैसे। तो अंकल टॉफ़ी को चुनते हैं पैसे की जगह पे। इसी तरह से फिर लड़का खुश हो जाता है और अंकल भी खुश हो जाते हैं और लड़का वहाँ से चला जाता है। फिर वह फिर से पीछे मुड़ के अंकल को बाय कहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर अंकल अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, उस टॉफ़ी को अपनी पुरानी तस्वीरों के नीचे रख के, और वे भी खुशी खुशी अपने काम करते हैं और अपनी दुकान को बंद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये उनकी कुछ पुरानी यादें होती हैं जो उनके बचपन से जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें ऐसी और स्टोरीज देखने के लिए और मज़े करने के लिए। थैंक यू।